Namaskar students, I am Arnaja. Going to discuss about worksheet number four of class 8 mathematics. This worksheet is for 15th April 2021. In this worksheet, we are going to discuss about addition and subtraction of rational number. First of all, we want to recall rational number. Rational number uh, कहते किसको हैं है तो आप सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर शुरू करते हैं गिनती की संख्या एक दो ये तीन ये इसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या इसमें एक और आ जाता है जब जीरो आ जाता है तो यहाँ से ये हो जाता है होल नंबर इसके परिवार में एक और आ जाता है ये इंफिनिटी तक जाता है अब इसमें नेगेटिव भी आ जाता है माइनस वन माइनस टू यानी माइनस की दुनिया आ जाती है तो इसको कहेंगे हम ये हो जाता है हमारा ये पूरा मिल करके हो जाता है इंटीजर्स अब इसके बीच कोई संख्या है आधा एक बटे दो तीन बटे चार तो इसके बीच संख्या है तो ये रेशनल नंबर कहलाता है जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं रेशनल नंबर ये सभी रेशनल नंबर है क्योंकि वन हम लिख सकते हैं तो ये रेशनल नंबर होगा लेकिन जीरो नीचे डिनोमिनेटर पी बाई क्यू के रूप में होता है लेकिन नीचे क्यू जी इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे जीरो नहीं होगा पी में कुछ भी हो सकता है प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव इंटीजर जीरो भी हो सकता है जीरो बाई एक वन लिख सकते हैं तो जीरो भी हो सकता है अब आते हैं हम सवाल की तरफ डियर स्टूडेंट्स एज वी नो दैट एट को हम uh, आठ को एक बट्टे आठ बट्टे एक लिख सकते हैं छ को छः बट्टे एक लिख सकते हैं चौदह को चौदह बट्टे एक लिख सकते हैं दो को दो बट्टे एक टू बाई वन लिख सकते हैं जिस तरह से आठ और छ को जोड़ते हैं तो चौदह आता है तो हम लिख सकते हैं आठ प्लस बट्टे एक यानी एट अपॉन वन प्लस सिक्स अपॉन वन अब देखिए दोनों में एक जैसा है तो जो दोनों में है डिनोमिनेटर सेम है तो इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर कहते हैं तो जो सेम डिनोमिनेटर वाले लिखो नीचे में लिख देंगे और ये एट प्लस सिक्स यानी 14. तो वैसे भी हम फोर्टीन लिखते तो 14 by 1. इसी तरह में होता तो टू uh, तो तो so uh, ऐसा नहीं करेंगे यदि हम इसको जोड़ने के लिए हमें दिया जाए तो आठ और छह ऊपर वाले को कई बच्चे करते हैं बच्चे करते क्या है जैसे आपको दे दिया आठ बटे दो और तीन uh, बटे 5. तो बच्चे करते क्या हैं आठ और तीन को जोड़ देंगे और दो और पांच को जोड़ देंगे सात और इस तरह से आंसर लिखेंगे और ये फिर इसको आता हुआ बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किया है जिस वजह से प्लस आता है लेकिन थोड़ी सी उससे लापरवाही हो गई जिसके कारण उसको नंबर नहीं मिल पाते तो यदि हम थोड़ी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो हम पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं यदि देखिए एट बाई हो और प्लस थ्री बाई हो तो हम क्या करेंगे नीचे एक जैसा है पहले नीचे एक जैसा हो तो टू लिख दिए दोनों में और ये चिन्ह एट प्लस थ्री लिख दिए यानी इस दोनों के जो चिन्ह बाकी चिन्ह का प्रयोग हम कर लिए आठ तीन ग्यारह बटे दो हो गया आंसर ठीक है तो यहाँ पे कह रहा इफ वी एड और एंड मोर टू इफ टू एंड मोर रैशनल टू साइन अब हमें जमा करना है या घटा करना है वो अकॉर्डिंग टू साइन के हिसाब से करना है और प्लेस द सेम डिनोमिनेटर और नीचे जो है वही डिनोमिनेटर सब में लगना है अब कह रहा है जो कि अरे वी कैन इजली गेट द फॉर्मूला टू एड एंडस्ट्रेड रेशनल नंबर हम बहुत आसानी से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर को एड करना और सब्सक्रेड करना सीख गए अब इसमें हम जो फिगर द्वारा इसमें बताया गया है शीला गेप्स वन बाई एट पीसेज ऑफ केक ए पीस केक को कितने टुकड़े में काटा ए आठ जितने लिखे हुए आठ नीचे जितने हैं तो उस हिसाब से आठ टुकड़े में काट लिया इसको एंड एक पीस उसमें से एंड टू बाई एट पीसेज ऑफ हर मदर एंड फादर तो ये मदर को और ये फादर को इसमें से दो भाग पापा को दे दिए तो कुल कितने भाग दे दिए आठ में से एक भाग यहाँ निकल गया और दो भाग यहाँ निकल गया तो कुल तीन तीन हो गया तो ये लिखा एक बट्टे दो, तो तो और और दो मिलकर के कि कितना पार्ट बच गया है तो ये देखिए आठ भाग था आठ भाग में से तीन भाग उसने मम्मी पापा को दे दिया तो तीन भाग निकल गया तो बचा कितना एक दो तीन चार और पांच तो यहाँ पे पांच में छोड़ दिया है ठीक है तो 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 ये भी भी लिखा एट एट, यानी पूरा था तो आट आट था उसमें से थ्री एट निकाल लिया तो नीचे डिनोमिनेटर सेम हैं तो लिख दिया इधर भी, और एट में दस हिस्सों वाली चॉकलेट ऐसे चॉकलेट ली जो जिसमें दस पीसेज दस पीस किया हुआ था टू 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 श्याम एंड थ्री मीना उसमें से दो पिस मीना को श्याम को और तीन पीस मीना को दिया तो इस हिसाब से कह रहा ये देखिए ये दस पार्ट था इसका किया हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस हिस्सा है तो इसमें से दो हिस्सा दे दिया तो दो बटे दस और ये तीन श्याम को दिया और मीना को दिया तीन बटे दस तो दोनों मिल करके प्लस का साइन यदि तो ये देखिए दस दोनों में है तो लिख दिया नीचे में दस और ऊपर वाले को दो और तीन जो, जोड़ा तो पाँच या इसमें दो, दो, तो दो और तीन ये वाला कॉलम तीन और कॉलम भर दिया एक दो तीन तो कुल कितने भर गए पांच कॉलम भर गया और टोटल कितना है दस तो पांच बटे दस लिख गया इसी प्रकार अब कह रहा है जो कि हाउ मच कितने हिस्से बच गए तो ये दस सेट दस हिस्सा था उसमें से पाँच हिस्सा निकल गया पिछली क्वेश्चन में पाँच हिस्सा निकल गया था तो बचा कितना अब ये देखिए तो ये पाँच वाला निकल गया तो ये ये वाला भरा हुआ होना चाहिए ऊपर वाला तो निकल गया तो कितना बचा पाँच बच गया है और दस क्योंकि दस नीचे में एक जैसा है दोनों में तो लिख दिया दस और दस में से पाँच गया तो पाँच अब आइए आपको सवाल करने के लिए दिए गए हैं अब देखिए यहाँ पे जो सवाल है उसमें कह रहा है एक ट्रेंग ट्रेंगुलर पीस था उसमें चार हिस्से किए थे एक दो तीन चार तो चार हिस्से में दो हिस्सा भरा हुआ था दो बट्टे चार में से एक बट्टे चार और निकाल लिया तो ये दोनों में एक जैसा है तो हमने लिखना है चार तो दोनों में लिखना है मतलब डिनोमिनेटर होना चाहिए दो में से एक गया तो एक अब कोई एक वाला हिस्सा भर दी गई कोई हिस्सा आप ये भरना चाहिए कोई भी एक हिस्सा भर ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसमें चार बटे पांच है तो यहाँ पे चार हिस्से भरिए एक दो तीन चार हिस्से भर दीजिए ठीक है इसको सेट कर दीजिए अपने हिसाब से और दूसरे में तीन और हिस्से सेट कीजिए एक दो और तीन अब इसको कह रहा है प्लस करने के लिए तो प्लस करेंगे तो अः पाँच हिस्से वाला चाहिए पा, चार बटे है तीन बटे तो पहले आ, एक का पांच हिस्से चाहिए एक दो तीन चार पाँच भर गया पाँच हिस्सा भर गया अब देखिए क्योंकि चार हिस्सा था यहाँ और एक यहाँ पे तो पांच हिस्सा तो भर गया चार हिस्सा पहले के ही भरे थे और एक हिस्सा और इसमें खाली दो हिस्सा फिर भी बच रहा है दो पार्ट फिर भी बच रहा है तो दो पार्ट हम अगले में भरेंगे तो इसलिए ये हो गया टोटल हो गया सेवन और अपॉन में फाइव क्योंकि ऊपर में इससे ज्यादा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है कम है और न्यूमरेटर ज्यादा है तो यानी इसको डिवाइड भी करेंगे तो सात को यदि से सात को पाँच से करते हैं तो एक पूरी तरह से बच जाता है तो हम आगे सीखेंगे हमें तो सात बटे पाँच बच गया तो इस हिसाब से लिखे इसमें क्या है यदि एक जैसा होता है तो उसको आसानी से हल किया जा सकता है जैसे दो बट्टे तीन और तीन, तीन बटे तीन है तो नीचे देखिए दो यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है तो ये लिख दिए यहाँ पे तीन लिख दिए और इसको प्लस कर दिए ये वाला चिन्ह इसके साथ आएगा टू प्लस थ्री तो जो आंसर आएगा फाइव बाई थ्री आया और यदि अलग अलग हो जैसे आपके पास है टू बाई थ्री और है वन बाई टू अब देखिए यहाँ पे अलग अलग है तो अगली वर्कशीट में हम इसके बारे में सीखेंगे देखिए ये है तो इसको हम आसानी से करते हैं ये वाला नीचे वाला को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ये मल्टीप्लाई कर देंगे और तो थ्री टू जा सिक्स बनेगा तो इसको आसानी से करने के लिए सेम वो लेना होता है जिससे आप यहाँ टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई कर दे और इसको थ्री से करेंगे तो एक जैसा बन जाएगा थ्री टू जा तो ऊपर भी थ्री से कर दे तो ये हो जाएगा फोर अपॉन में सिक्स और थ्री अपॉन में सिक्स फिर पहले जैसा हो गया तो सिक्स और फोर थ्री नाइन इस फोर थ्री सेवन इस तरह आएगा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद